हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मैजिक किचन। और चलिए आज हम बनाते हैं मुंबई की फेमस वड़ा पाव। ये हमने 1 किलो बॉयल आलू ले लिया है, इसको अच्छी तरह मैश कर लिया है मैंने। ये हरा धनिया, लहसुन की कलियां, करी पत्ता, अदरक और मिर्ची ले लिया है। का पेस्ट बना लेंगे हम। ये मैंने एक कढ़ाई रखा है, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला। अब मैं इसमें राई डाल देती हूँ 1 चम्मच, और आधा चम्मच जीरा डाल दे रही हूँ। उसके बाद करी पत्ता डालती हूँ। फिर ये मैंने जो पेस्ट बनाया था, हरा धनिया, लहसुन, मिर्च, अदरक का, उसे डाल दे रही हूँ। और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। ये 1/4 स्पून हल्दी डाल दिया है मैंने। हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे इसमें और अच्छी तरह भून लेंगे मसालों को। अच्छे से इन मसालों को भूनना है। फिर इसमें आलू डाल देंगे और इसे डाल के अच्छी तरह मिक्स करते हुए हम भूनेंगे। स्टफिंग हमारी अच्छी तरह भुनी हुई रहेगी तो उसमें टेस्ट और भी मज़ेदार आएगा। आप देख सकते हैं कि मैं इसे कितनी अच्छी तरह भून ले रही हूँ। फ्रेंड्स, तो वड़ा पाव की स्टफिंग जितना ही अच्छा रहेगा, वड़ा हमारा उतना ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए, हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। अब मैं बेसन का घोल रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने 250 ग्राम बेसन ले लिया है और चुटकी भर इसमें हल्दी डाल दिया। उसके बाद नमक मिला लिया है मैंने। इसे अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें पानी डाल के मैं अच्छा स्मूथ घोल तैयार करूँगी। घोल मैं ठीक ही रखूँगी, जितना कि वड़ा पाव का घोल होता है। अगर घोल हमारा पतला हो जाएगा तो वड़ा के ऊपर कोटिंग नहीं होगा घोल का। ये लीजिए, हमारा घोल रेडी हो गया है। अब हम चलते आगे के प्रोसेस पे। देखिए, स्टफिंग मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो जैसा वड़ा बनाना है मैं बनाती हूँ इसका वड़ा। आकार का भी बना सकते हैं या तो फिर गोले आकार का भी। मैं इस आकार का इसलिए बना रही हूँ कि ये पूरा ऑयल में डीप हो जाएगा और अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। ऑयल को चेक करते हैं कि बराबर गर्म हो गया है कि नहीं अच्छी तरह। देखिए, ऑयल हमारा एकदम गर्म हो गया है। अब वड़ा को कोट कर लेते हैं बेसन के अंदर और इसे फ्राई कर लेते हैं। देखिए, तो वड़ा के ऊपर कितनी अच्छी कोटिंग हो रही है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह मैं अपने सारे वड़े को फ्राई कर ले रही हूँ। देखिए, मैंने सारा वड़ा फ्राई कर लिया है। वड़ा पाव बनाने के लिए हमने लादी पाव लाया है। अब इस पाव को बीच में से कट करेंगे या तो फिर हाथ से ही इसे बराबर तोड़ लेंगे और इसके अंदर हम हरी चटनी लगा देंगे। फ्रेंड्स, तो मैंने चटनी बनाते हुए आपको नहीं दिखाया था, वो स्किप हो गया है। ये देखिए, चटनी हमारी बहुत ही स्पाइसी है, इसलिए थोड़ा कम ही चटनी लगा रहे हैं। उसके बाद इसमें वड़ा डालेंगे हम। इसमें वड़ा डाल के देखिए, हमारा लाजवाब डिलीशियस वड़ा पाव रेडी हो गया। मुंबई की फेमस वड़ा पाव दुकान से भी बढ़िया बना है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ हरी चटनी और बेसन फ्राई मिर्ची के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।